ब्रिटिश पारला सशस्त्र संग्राम को प्रथम स्वाधीनता संग्राम मान्यता प्रसंग राष्ट्रपति कार्यालय ओडिशा मुख्य सचिव को चिट्ठी ए दिगरे सविशेष अनुधान करने सहित आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करने चिट्ठी परामर्श दी पारला खेमुंडी रे ब्रिटिश विरोध रे स्वाधीनता संग्राम 1767 मसीह आरंभ हो 1834 मसीह पर्यंत चली 18 जन फांसी पाई बेले 25 जन कलापाणी निर्वाचन दंड भोगी बहु संख्यक संग्रामी इंग्रेज सेना सह सम्मुख युद्ध में निहत होते संग्राम में भाग नहीं फांसी पाई 18 जन स्मृति रक्षापी पाला खेमुंडी सहर तथा अन्यान्य स्थान जोठे फांसी दंडादेश कार्यकारी होता सेपर समस्त ग्राम से शहीद स्मृति स्तंभ निर्माण करने को पर्यटनस्थल मान्यता देवा चिठीर अनुरोध कर वर्तमान गोटे कंट्रोवर्सी भितर गोटे डिबेट आरंभ हो सिपाही विद्रोह प्रथम विद्रोह नुह पाइक विद्रोह हूँ प्रथम विद्रोह बोली गोटे कथा उठी तापर बहुत डिबेट है चर्चा हो भितर ये जो तथ्यभित गोटे बही आज उन्मोचन है पारलार ललाम बोली जो आमर है उद्घाटन है पारलार जो होता है प्रथम विद्रोह बोली है इटा निश्चित भाव में आउ गोटे खोराक जगेब एवं इटा आउ गोटे चर्चार विषय तेणु मु भावी जो मोर मतरे ठीक समय रे ए बहीटा उन्मोचन एवं लोकलोचन को आसी मोर वक्तव्य कही आउ टे अधिक चर्चा हाँ दरकार यहाँ आउ गोटे चर्चा विषय आसो पारलाखेमुंडी जो संग्राम होता से संग्राम होता इंग्रेज मैंने जो प्रवेश कले प्रथम दिन से दिन ठार आरंभ हो मुगल बादशाह गोटे फरमान नहीं आसिले ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारी माने गंजाम को प्रवेश करिवे एवं गंजाम अधिकार जाहिर करने वाणिज्य विपणन इत्यादि कार्य करिवे ये खबर पाई जगन्नाथ नारायण देव 1767 जनवरी मासरे गंजाम सीमार जगिक रे बंगला ठार मद्रास पर्यंत जो रास्ता गंजाम सीमार संपूर्ण भाव में अवरोध करदे जगिक सीट रे इंग्रेज मान अथरीटी को स्वीकार आदो कले 1767 मसीहार ही पारलाखेमुंडी यही गड़जात एरिया एरिया रो आदिवासी समस्त लोक विद्रोह हो जोटा कि ब्रिटिश शासन विरुद्ध ब्रिटिश मानक विरुद्ध होता ब्रिटिश मैंने बाध्य पछघुंचा देते यही एरिया रो समस्त आदिवासी समस्त जो पछुआ वर्गर लोक मैंने मिलमिशी मेली करी ब्रिटिश को ये प्रतिरोध करते आमर ये शासन गादी भितर पशापी प्रतिरोध कराइला विताड़ित करने विद्रोह होता ब्रिटिश विरोधी पारला सशस्त्र संग्राम को प्रथम स्वाधीनता संग्राम मान्यता प्रसंग राष्ट्रपति कार्यालय ओडिशा मुख्य सचिव को चिट्ठी दिगरे सविशेष गवेषक आपको फोन पत्र आ कौन कर आम जो पुस्तकटा रचना कलु भारत प्रथम स्वाधीनता संग्राम पारलाखेमुंडी होता से पुस्तक सहित आम स्मारक पत्र महामान्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं राष्ट्र स्वराष्ट्र मंत्री समस्त देखु सौभाग्यर कथा महामान्य राष्ट्रपति सचिवालय पत्र आसी आम मुख्य शासन सचिव को आमर स्मारक पत्र विहित कार्यानुष्ठान करने आमको परामर्श दिखाई आलोचना करने को पुस्तक कौन पुस्तक आम दर्शेचु जे भारत 1857 सिपाही विद्रोह एवं खोर्धार 1870 विद्रोह एवं जयराज गुरु 1804 विद्रोह एवं ओडिशा रे अन्यत्र जिते विद्रोह होती एवं भारत रे जिते जिते स्वाधीनता संग्राम होती ब्रिटिश विरुद्ध रे से समस्त संग्राम पूर्वर पारलाखेमुंडी रे सशस्त्र संग्राम होता इंग्रेज मान विरुद्ध जोटा कि 1767 आरंभ हो 1834 पर्यंत दीर्घ 67 वर्ष काल चली संग्राम अवधि भितर गोटे अंचल को पारलाखेमुंडी राज्य इंग्रेज कबल संपूर्ण मुक्त कर दीथिला एवं इंग्रेज बाहिनी बारंबार पारलाखेमुंडी परित्याग करते पारलार विद्रोहर प्रतिफलन विशाखापाटना सिपाही शिविर होता जहाँफल देशीय सिपाही माने सिठी विद्रोह करते इंग्रेज विरुद्ध से 6 जन सेनाधिकारी गुड़ी करी मारी
गवर्नर को बंदी करते ट्रेजरी लुट कर देते पारला पाइक शबर दोरा विषय समस्त मिसी यह आक्रमण करते ब्रिटिश मान विरुद्ध ब्रिटिश सेना विरुद्ध से बारंबार पारलाखेमुंडी परित्याग करते पारलाखेमुंडी आसवा को साहस करूँ विभिन्न जगार आक्रमण होता से गाराबंधे आक्रमण होता लावण्यगढ़ आक्रमण होता नगरी कटक आक्रमण होता आक्रमण होता कईपुरठे आक्रमण होता जीरांग आक्रमण होता रायगड़े आक्रमण होता कईपुर सचिव को चिठी आसी से बाबद अधिक आलोचना करूँ।